Hello and welcome students. Today we are going to start with our next chapter, Social Justice. In the new syllabus, its name is Justice. Justice word has been derived from a Latin word jungor, and this jungor means to tie or a bond. Justice शब्द लैटिन भाषा के शब्द जुंगुर से निकला हुआ है और इसका मतलब है किसी को बांध कर रखना या किसी बॉन्ड में बंद कर रहना। इस चैप्टर में हम कुछ जस्टिस के प्रिंसिपल्स को स्टडी करेंगे। टाइप्स ऑफ जस्टिस, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस क्या है, और जॉन रॉल्स का जस्टिस के बारे में जो आइडियोलॉजी उन्होंने हमें दी है, उनका प्रिंसिपल, उनकी थ्योरी, उसकी स्टडी हम इस चैप्टर में करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विदाउट एनी डिले। The justice. In earlier time, in the ancient times, in our India, justice was related to, it was associated with dharma, and dharma was the main work that was the primary duty of the kings. In China, China mein Confucius ek bahut bade philosopher hue hain. Unka manna tha that king should maintain justice by punishing the wrongdoers and rewarding the virtuous. जो अच्छा काम करते हैं उनको रिवॉर्ड देना और जो गलत काम करते हैं उनको पनिशमेंट देनी। इसी तरह से एक किंग जस्टिस दे सकता है अपने सिटीजन्स को। प्लाटो इन ग्रीस इन 4th century BC, देयर वर मैनी फिलोसफर्स रिलेटेड टू पोलिटिकल साइंस। दे हैव गिवन देयर थ्योरीज, वी विल डिस्कस दैम वन बाई वन। In 4th century BC in Athens, Plato, he discussed the issue of justice in his book The Republic. Moreover, Socrates और उसके young friends Glaucon और Adeimantus ने भी justice के बारे में कहा है। Plato ने examine किया, he was very much concerned with the ideology of justice and the people. Those who were Socrates, he is known as the father of political science, and his followers, his students were Plato, Aristotle. They used to ask Socrates that why we should just. They observed that those who are in the society, those who are deceitful, those who are unjust, not paying the taxes, used to twist the rules according to their own interest, and those who used to speak the lie, those who are deceitful, जो धोखेबाजी से काम करते हैं, they are often more successful than the people who are truthful and just. So these were the questions that were put by the followers, by the students of Socrates to him. And you may have heard that similar sentiments are there today also. So if one is smart enough to avoid being caught, then it would seem that being unjust is better than being unjust. अगर एक व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है, टैक्सेस पे नहीं करता, चोरी चकारी करता है, झूठ बोलता है, धोखा देता है, और उसे पता है कि मैं पकड़ा नहीं जाऊँगा, तो फिर अनजस्ट होना ही बेटर है। सो दीज वर द क्वेश्चंस दैट वर आस्क्ड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ सॉक्रेट्स टू हिम। Socrates ने इसके आंसर में he reminds his young people that अगर सोसाइटी सारी की सारी ही अनजस्ट हो जाएगी, अगर हर एक व्यक्ति ही रूल्स को मैनिपुलेट करना स्टार्ट कर देगा अकॉर्डिंग टू देयर ओन नीड्स एंड इंटरेस्ट, देन नो वन कुड बी श्योर ऑफ बेनिफिटिंग फ्रॉम अनजस्टिस। किसी को भी इनजस्टिस से फ़ायदा नहीं होने वाला, कोई भी सिक्योर नहीं होगा, और दिस विल बी अ हार्म टू ऑल ऑफ देम, सभी लोगों को नुकसान ही नुकसान होगा। बट द मेन एम विच वॉज गिवन बाय सॉक्रेट्स वॉज, सॉक्रेट्स हिज स्टूडेंट्स वर प्लेटोज एनोफोन एंड ऑल, ही गॉट बर्थ इन 470 BC एंड डाइड इन 399 BC, एंड ही हैड टू ड्रिंक बिकॉज द आइडियोलॉजी विच वॉज गिवन बाय सॉक्रेट्स दैट वॉज नॉट डाइजेस्टेबल to the rulers of that time in Greece. That's why he was executed by drinking a hemlock. That was a type of poison in those times. So
जस्टिस के बारे में हम यही कह सकते हैं दैट द मेन एम ऑफ जस्टिस इज द वेलफेयर ऑफ द नेशन, वेलफेयर ऑफ द नेशन एंड गिविंग ईच एंड एवरी पर्सन हिज ओन ड्यू. सिमिलरली अगर एक डॉक्टर है वो सभी पेशेंट्स का अच्छी तरह से मेडिसिन नहीं देता है, सभी को इक्वल ट्रीटमेंट नहीं देता है, देन इन दैट सिचुएशन ही इज अनजस्ट टू ऑल. सिमिलरली द जस्ट रूलर और द जस्ट गवर्नमेंट दे शुड ओनली बी कंसर्न्ड विद द वेलबींग ऑफ देयर विद द वेलबींग ऑफ देयर पीपल. दैट मीन्स गिविंग ईच पर्सन हिज ओन ड्यू. गिविंग ईच पर्सन हिज ओन ड्यू मीन्स हर एक व्यक्ति को उसका बनता हुआ हक दिया जाए. वॉट इज ड्यू टू ईच अ पर्सन एज अ ह्यूमन बींग दैट शुड बी गिवन टू दैम अकॉर्डिंग टू जर्मन फिलोसफर इमैनुअल कांट. इमैनुअल कांट कहते हैं कि ह्यूमन बींग, हर एक ह्यूमन बींग की अपनी डिग्निटी होती है, उसकी अपनी मर्यादा और गरिमा होती है, और हर एक को उसके अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए सो दैट दे कैन डेवलप देयर टैलेंट्स एंड दे कैन परस्यू देयर चोजन गोल्स एंड दैट विल बी द मेन एम ऑफ जस्टिस. एंड जस्टिस रिक्वायर्स दैट एवरी पर्सन शुड बी गिवन हिज ओन ड्यू एंड इक्वल कंसिडरेशन टू ऑल द इंडिविजुअल्स. हर एक व्यक्ति के साथ एक जैसा व्यवहार ही किया जाना चाहिए. सो लेट अस स्टार्ट विद the equal treatment for equals. Equal treatment for equals means that is one of the first principle of justice. Every person deserves equal rights and equal treatment. This principle is treating equals equal. जो लोग समान हैं उनको एक जैसा व्यवहार मिलना चाहिए, एक जैसा treatment मिलना चाहिए. In modern days, in the democracy, civil rights are given just like right to life, liberty, property. Political rights are also given, just like they can have the right to vote, they can unable to participate in the political process. Social rights are also given because of this, equal opportunities to all members of the society are given. So, जो लोग समान हैं उनको एक जैसा व्यवहार, एक जैसा treatment मिलना चाहिए. Means equal persons should be treated equally. There should be no discrimination on the basis of caste, class, race or gender. Only the persons should be judged on the basis of their work and actions. Suppose if there are two persons, they are doing the same work of breaking the stones in a mine or they are delivering the pizza. In that situation, the same reward should be given. It does not happen that one has been paid 100 rupees and the other has been paid 75 rupees. That will be against the principle of justice. Means if the work is equal, the wages should also be equal. So in order to make an egalitarian society, we must give each and every person, we must treat each and every person equally. नेक्स्ट इज प्रोपोर्शनेट जस्टिस. प्रोपोर्शनेट जस्टिस में हम ये कह सकते हैं सपोज वन एग्जाम इज देयर, आई एम टेकिंग पोलिटिकल साइंस एग्जाम इज देयर, फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू दैट ऑल हैव अटेम्प्टेड द सेम एग्जाम, इज इट सो, इज इट जस्ट टू गिव सेम नंबर ऑफ मार्क्स टू ईच एंड एवरी पर्सन? यू विल डेफिनेटली से नो. अगर सभी एक जैसा एग्जाम दे रहे हैं तो सबको एक जैसे मार्क्स नहीं मिलने चाहिए. They should be given rewards according to the quality of their answer sheets, according to the degree of efforts which they have put on. That is the proportionate justice. जिसने जितना effort लगाया, जिसकी answer sheet में ज़्यादा अच्छे answers होंगे, only that person can be given good marks and others will not be rewarded. They will be rewarded according to the standard of their answer sheets. So proportionate justice mein hum keh sakte hain, we means that rewarding people in proportion to the scale and quality of their effort. Unke effort ki quality aur unke jitna bhi unke answer sheet ka scale hai uske accordingly hi hume unhe reward dena chahiye. This is being given in the
form of in the democracy. This is applicable in giving jobs according to the skills and efforts, according to the standard of the answer sheets. The people are rewarded with the jobs. So उनको डिसाइड करने के लिए एफर्ट को हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, स्किल्स को कैलकुलेट करना पड़ेगा, और पॉसिबल डेंजर्स जो हैं वो लोग उन्हें हमें कैलकुलेट करके ही उन्हें रिवॉर्ड देना चाहिए. फॉर एग्जांपल माइनर्स, दोज हु हैव पुट देयर लाइव्स इनटू डेंजर, द स्किल्ड क्राफ्ट्समैन जो बारीकी का काम करते हैं, एंड द पीपल हु आर समटाइम्स इन द डेंजरस जॉब्स जस्ट लाइक पुलिसमैन. क्योंकि जब देखो अब लॉकडाउन भी है, पुलिसमैन फिर भी अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, देयर लाइफ इज एट रिस्क बट दे आर गिविंग देयर वर्क, दे आर पुटिंग देयर एफर्ट्स फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी. सो दैट इज व्हाई दीज पर्सन शुड बी रिवॉर्डेड अकॉर्डिंग टू देयर एफर्ट्स, अकॉर्डिंग टू देयर वर्क विच दे आर गिविंग टू द सोसाइटी. सो जस्टिस इन अ सोसाइटी दैट पीपल ऑफ इक्वल ट्रीटमेंट नीड्स टू बी बैलेंस्ड विद द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. प्रोपोर्शनैलिटी का प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली एक व्यक्ति को उसके एफर्ट्स और उसके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली, उसके स्केल के अकॉर्डिंगली ही पेमेंट मिलनी चाहिए. ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति घर में बैठकर पंखे के नीचे काम कर रहा है और दूसरा व्यक्ति बड़ी धूप में अपनी लाइफ को डेंजर में डालकर अपने ड्यूटी दे रहा है, तो उन दोनों की पेमेंट सेम नहीं होनी चाहिए. There should be difference in their payment. Now next is recognition of the special needs. The third principle says that the disabled person, they lack of access to the educational health care. जो disabled person हैं उनको, they are having special needs. So while distributing the rewards or the duties, special needs should be taken into the consideration. This principle of treating equals equally could imply that people who are not equal in certain important respects could be treated differently. वो लोग पहले प्रिंसिपल में जो लोग समान हैं उनको समान रिवॉर्ड मिलना चाहिए, जो स्पेशल स्किल और एफर्ट और पॉसिबल डेंजर्स में काम करते हैं उनको प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंगली रिवॉर्ड मिलना चाहिए. इन दैट सिचुएशन ओनली जस्टिस विल बी देयर. एंड इन द थर्ड सिचुएशन, third principle of justice, the person who are disabled, disadvantaged, like SC ST, women section, Dalits, they should be given special treatment according to their special needs. Physical disabilities hoti hain, kai log good education tak unki access nahi hoti, unko health care facilities nahi milti. एक व्यक्ति है जो कि पोलियो से ग्रस्त है, तो ऐसे सिचुएशन में उन लोगों को एक स्पेशल, उनकी स्पेशल नीड्स को रिकॉग्नाइज करके, उनकी स्पेशल नीड को रिकॉग्नाइज करके उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए. द पर्सन हु एंजॉय वेरी डिफरेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड अपॉर्चुनिटीज, दे आर ट्रीटेड इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट्स विद दोज हु हैव बीन डिप्राइव्ड of even basic minimum needs to live a healthy and productive life. एक व्यक्ति है जिसको सारे standard of living मिले हुए हैं, सभी opportunities मिली हैं, health care facilities प्राप्त हैं, education की access है, और एक वो व्यक्ति है जिसको basic minimum needs भी नहीं हैं और basic minimum needs भी provide नहीं हो रही, तो अगर इन दोनों को equally treat किया जाएगा, then that situation we can't create a an egalitarian society or a just society. So that is why in order to make an egalitarian society, we must give equal treatment. Special needs of the person should be recognized. In our country, in order to provide good education and healthcare facilities, that has been social ground par constitution ne रिजर्वेशंस प्रोवाइड की हैं. वो लोग जो डिसेबल्ड हैं, डिसएडवांटेज्ड हैं, डिप्राइव्ड हैं, उनके लिए रिजर्वेशन प्रोवाइड की है. गवर्नमेंट जॉब्स में कोटा दिया गया है उन्हें, एडुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, तो कि ताकि ये लोग जो कि शेड्यूल कास्ट और ट्राइब्स के साथ रिलेटेड हैं, दे कैन कम अप विद दैट लेवल प्लेइंग फील्ड तक वो आ सके.
So these were the three principles we have discussed. The first is equal treatment for equals. वो लोग जो समान हैं उनको एक जैसा व्यवहार मिलना चाहिए, एक जैसा ट्रीटमेंट होना चाहिए. The second, recognition of different efforts and skills while determining rewards and burdens. Skills और effort को recognize करके उसके accordingly ही reward देना चाहिए. And on the other hand, third principle says that provision of minimum standard of living and opportunities to the needy. The person needy words means deprived, disadvantaged persons, disabled persons, and they should be provided minimum standard of living and equal opportunities. In this way only we can have the creation of an egalitarian society, an ideal society or a just society. अगर इन तीनों principles को follow किया जाए तभी हम एक just society की creation कर सकते हैं. अगर हम मान लें कि reward देने के लिए हम सिर्फ merit का ध्यान रखेंगे तो then disadvantaged group will be at the risk. The marginalized sections would be at loss in that situation. क्योंकि उनका एसेस, ना तो उनकी एसेस गुड एडुकेशन तक है, ना ही उन्हें नरिशमेंट मिल सकती है. दे कांट कम्पीट विद ऑल दोज पर्सन्स हु आर हेल्दी फ्रॉम एजुकेटेड फैमिलीज, दे आर रिच, दे कांट कम्पीट विद दोज. दैट इज वाई स्पेशल ट्रीटमेंट और स्पेशल देयर स्पेशल नीड्स आर रिकॉग्नाइज्ड एंड दे आर गिवन कोटाज इन द एडमिशन, दे आर गिवन रिजर्वेशंस इन द गवर्नमेंट जॉब्स. So these were the three principles of justice, and the main aim of justice is to do the welfare of the nation and giving each person his due, whatever is due to that person, jitna bhi uska banta hak hai utna use dena. This was all with today's point. Thank you, have a nice day.